तो आज समझने की जरूरत है, बहन मनीषा को अगर न्याय दिलाना आप लोगों ने, सारी मीडिया उल्टा दिखा रही, उनके परिवार को फंसाने का प्रयास कर रही है। जब हमें इस घटना का पता चला, सबसे पहले मैं और मेरे साथ कुछ साथी गए थे, 24 तारीख को मैं उस परिवार के सदस्यों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया था, आप फेसबुक पे देख सकते हो। जब हमने वहां पर जाके एफआईआर में कलेक्शन करवाई, सारे सेक्शन लगवाई, मैं पहले पेशे से वकील था, बाद में आया उस काम में, सारे सेक्शन लगवा करके हम लोगों ने डिमांड की कि इस बेटी को जो है ना दिल्ली शिफ्ट किया जाए, यहाँ इलाज नहीं हो रहा, उसका मेडिकल तक नहीं हुआ था 24 तारीख तक। ये रामदादे कहते हैं उसके साथ रेप नहीं हुआ, बलात्कार नहीं हुआ। हाँ एक बात ठीक कहते हैं, उसका बलात्कार ठाकुरों ने नहीं किया, उसका बलात्कार तुम लोगों ने किया है। उसकी वजह पता क्या है? तुम लोगों ने बलात्कार योगी सरकार बनाई वोट देकर, तुम लोग उसके जिम्मेदार। तुम लोग वोट देते हैं रामदादे को, इनकी सरकार बनवाते हो तो फिर ये क्या करेंगे? साहब काशी राम एक बात कहते थे कि भाई सबने अपनी अपनी बंदूक ले रखी है, एक कांग्रेस की बंदूक है, एक भाजपा की बंदूक है, और बहुत छोटी छोटी बंदूक ले घूम रहे सब, और जब चुनाव आता है तो वोट रूपी जो गोलियां हैं तुम दुश्मनों की बंदूकों में डालते हो, और जब वो गोली चलाएंगे बंदूक चलाएंगे तो किसके लगेगी? थारे तो लगेगी, एक टूटी फूटी बंदूक थार तक तो देखे। इतने बड़े प्रदेश में चार चार बार सरकार बना ली वहां के बहुजनों ने, और मुझे खुशी है यहाँ पर बहुजन समाज मुझे दिखा, यहाँ धारक भी है, वासी भी है, सासी भी है, चमार भी है, वाल्मीकि भी है। ये समीकरण बनाने की जरूरत है पूरे देश में। हम लोगों को तोड़ा गया पूरे षड्यंत्र के माध्यम से। आज का समय अगर आप लोग इकट्ठा नहीं हुए तो बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी इन लोगों ने। ये धज्जियां ही उड़ाने पुलिस प्रशासन जला रहा बेटी को, और हम लोग पूरे देश में ये छोटी छोटी पंचायतें कर रहे हैं, क्योंकि ये कम लोग नहीं है। और मैं जब तक मनीषा के हत्यारे को तो फांसी हो ही हो, लेकिन जिन चोरों ने हमारी बहन को रात में जलाया है उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज हो चुके हैं एट्रोसिटी एक्ट में 302 में 120 बी में, और इस उस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का नार्को टेस्ट होना चाहिए, पता चल जाएगा सारा किस किस में कौन कौन शामिल है। उल्टा हमारे लोगों का ही नार्को टेस्ट करवाने की बात कर रहे हैं, करो योगी का टेस्ट। और मैं तो कहता हूं देश के प्रधानमंत्री का नार्को टेस्ट होना चाहिए, जब वो जीत का था चुनाव झूठ बोल गए, पता चल जाएगा उसकी नीयत क्या है। कहते ना लोग, मैं इस देश का चौकीदार हूं, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, सारा देश बेच दिया। ये देश इनका नहीं है, ये आप लोग इस देश के मूल निवासी शासक वर्ग हुआ, ये आप लोगों का देश है। बाबा साहब अम्बेडकर से एक पत्रकार ने पूछा था कि अगर कभी आर्थिक मंदी आई इंडिया में तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। बाबा साहब ने कहा इंडिया कभी बर्बाद नहीं हो सकता। पत्रकार ने पूछा क्यों नहीं हो सकता? बाबा साहब ने कहा कि किसी भी कंट्री में चले जाओ वहां पर भी एक व्यवस्था मिलती है आपको, संगठित अर्थव्यवस्था, ऑर्गेनाइज सेक्टर। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसमें दो अर्थव्यवस्था, एक तो संगठित अर्थव्यवस्था और एक असंगठित अर्थव्यवस्था, जिसमें छोटा किसान मजदूर दुकानदार ये लोग आते हैं। इस देश को बर्बाद करने का षड्यंत्र सुन लो आप लोग। एक व्यक्ति आता 2013 में, वो कहता जी 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ जिसमें मनमोहन सिंह भी शामिल है, ए राजा टू जी स्पेक्ट्रम घोटाला आप लोगों ने सुना होगा, टू जी स्कैम। फिर एक और आदमी आता है, वो इस घोटाले को रामलीला मैदान में लेकर के जाता पूरे देश को, कहता जी घोटाला हुआ। फिर एक तीसरी मोहतरमा आती है, वो भी उस आंदोलन को ज्वाइन करती है। फिर एक चौथा आदमी आता है, वो भी उस आंदोलन को ज्वाइन करता है। फिर एक पांचवा आदमी और उस आंदोलन को रामलीला मैदान लेके जाता है, वो सलवार कमीज पहन के वहां से भागता है। एक छठा आदमी उसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाता है। फिर एक सातवां व्यक्ति आता है, वो इन सब छह लोगों की मेहनत को कंपेयर करके देश के लोगों के बीच में जाता है कि देश बर्बाद होगा, घोटाला होगा, मुझे उसके खिलाफ वोट दो। और देश के लोग भरोसा करते हैं, उसको वोट देते हैं, और 7 साल के बाद उस घोटाले का फैसला आता है और सारे आरोपी बरी हो जाते हैं। क्योंकि इस देश में जस्टिस नहीं है, जजमेंट आती है। उनके लोग थे, उन्होंने जजमेंट दी, उनको बरी कर दिया। जैसे जो बाबरी मस्जिद वाला कांड हुआ था उसमें सबको बरी कर दिया, तो उस मुकदमे से, उस एट्रोसिटी से, उस घोटाले से किसको क्या मिला, सुनना आप ध्यान से। 7 साल बाद सारे लोग बरी,
जो पहला आदमी आया था 2014 में भाजपा की सरकार बनती है उसको पद्मश्री का अवार्ड देते हैं, सारे बैंकों के पुरुष को डायरेक्टर चेयरमैन बना दिया जाता है। दूसरा आदमी अन्ना हजारे जो रामलीला तुम नजर बैठा सबने देखा होगा, अन्ना ने आन दिया देश का, दूसरा गांधी नारे लगे देश की सड़कों पे, लोग तिरंगा लेकर के युवा घूमे, उसको जेड प्लस सिक्योरिटी आज तक क्वारंटाइन है वो। तीसरी मोहतरमा किरण बेदी उसको राज्यपाल बना दिया गया। चौथा आदमी उसके हिस्से में दिल्ली की सल्तनत कुर्सी लाला जी केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बन गए। पांचवा आदमी रामदेव देश का बड़ा व्यापारी बन गया। छठा आदमी सुब्रमण्यम स्वामी वो सांसद बन गया बीजेपी के टिकट पे। और सातवां आदमी इस देश का प्रधानमंत्री मोदी बन गया। और देश को कैसे बर्बाद किया सुन लो, सबसे गंदा फैसला इनका, इन्होंने बिना सोचे समझे इस देश के छोटे व्यापारी के ऊपर जीएसटी लागू किया, सब बर्बाद कर दिए। दूसरा सबसे घटिया फैसला इनको, रात के 8 बजे नोटबंदी कर दी, जो बहन बेटियां रसोइयों में अपने आटे के डिब्बे में भी 2-4 रुपये छुपा कर रख लेती थी पूरे समय के लिए, सबके पैसे बाहर आ गए, जिसके नहीं आए वो खराब हो गए। तीसरा सबसे खतरनाक फैसला इस देश का, इस दुनिया का, इतिहास का, कोरोना लगा दिया गया। पूरी दुनिया में एक जैसे लोग हैं, सत्ता में कोरोना कुछ नहीं है, बता दो किसी का रिश्तेदार मरा तो कोई नहीं, कोई नहीं मरा। अमित शाह देख लो सारी बीमारी ठीक हो गया, अमिताभ बच्चन कितना बुढ़ा ठीक हो गया, लेकिन एक ये षड्यंत्र है इस देश के संविधान को निपटाने के लिए। सारे फैसले अभी कोरोना में लिए जा रहे हैं ताकि इनके लोग इकट्ठा ना हो, ताकि लोग सड़कों पर ना आए। आज किसान परेशान है, आज बहुजन समाज का हर व्यक्ति परेशान है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, अगर बहन मनीषा को न्याय दिलाना है तो मैं सारी जगह नहीं आ पाऊंगा, आप लोगों को अपने लेवल पे बहुत अच्छे अच्छे वक्ता है, मेरे से बहुत अच्छे बोलने वाले, मेरे से सीनियर है, इन लोगों की वजह से हमारे अंदर मूवमेंट आया। तो आप लोगों को अपने अपने छोटे छोटे मोहल्लों में जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। जब तक बहन मनीषा को न्याय नहीं मिलेगा ये लड़ाई आखिर तक चलती रहेगी। और हम लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा, और आप लोग हाथ खड़े करके मेरा समर्थन करो और संकल्प लो कि हम लोग हिंदू नहीं है। आप लोग आवाज लगाओ, तेज आवाज लगाओ, हम हिंदू नहीं है, घर के मंदिरों में कब्जा करे बैठे हैं उन लोगों को अपने घर से विदा करो सह सम्मान। और जो पंडित जी ठाकुर और जो जनरल कैटेगरी के लोग रहते हैं उनको ले जाओ अपने दादा परदादा में, हम अपने अपने महापुरुषों को सम्मान देंगे। अपने घर में बापू महाराज की फोटो लगाओ, रविदास महाराज की लगाओ, बाबा साहब अम्बेडकर की लगाओ, कबीर साहब की लगाओ, जितने महापुरुष हमारे हैं इनकी फोटो लगाओ, इनका वैसे ध्वस्त हो जाएगी। ये जो तुम्हारे घर में बैठे हैं ना ये तुम्हारी गुलामी का कारण है। जिस दिन तुम लोगों ने ये भय का भूत निकाल दिया अपने अंदर से, मेरा आज तक जो ना बुखार भी नहीं चढ़ा पाई के भगवान, मैं ठीक ठाक हूँ, मैं मरा भी नहीं, मेरी लुगाई बर्थ कभी नहीं करती, मेरा बाबू भी 80 साल का होगा कुछ नहीं आता। ये सब डरा रखे आप लोग, और जाकर सारे अपनी बहन बेटियों ने सबने समझा, और हम लोगों ने 18 तारीख को दिल्ली में पंचायत रखी है, वहां दिल्ली के लोगों को बुलाया, दूर से ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया, क्योंकि हम लोग इंटेलेक्चुअल लोगों को मिल रहे, जो बुद्धिजीवी लोग आप जैसे लोग हैं जो सुनते सवाल उनसे मिल रहे, भीड़ गदों की होती है, गदे की चाहिए हमें, अच्छे लोग चाहिए आप जैसे लोग जो बैठ के इंतजार करते हैं बात सुनते हैं। तो आज साहब काशीराम का जो झंडा वो उठा लो भाई और गणतंत्र मिशन को जा दो। मेरा जो अंतिम उद्देश्य है, मेरा अंतिम उद्देश्य ये है कि मैंने उस घर में अम्बेडकर वाद लाना है जहां सदियों से पाखंडवाद का बसेरा है, ये मेरा उद्देश्य है। इतना ध्यान से सुना, मैं अटवाल साहब से भी निवेदन करूंगा और जितने मेरे सीनियर साथी बैठे हैं, हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग उस समय साहब के साथ काम नहीं कर पाए, लेकिन हमारे पिताजी ने किया है। जितने भी लोगों ने साहब के साथ काम किया ये सारे साहब है हमारे लिए, आज तक भी के लोग कहते हैं ना चौटाला के कार्यकर्ता बड़े मजबूत है, अरे कार्यकर्ता तो काशीराम के मजबूत है, कभी राज नहीं आया सड़ा, आज भी हम लोग लड़ रहे हैं।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।